पुलिस की सक्रियता से 30 ग्रामीण बंधक मुक्त। बिहार के शेर घाटी में इनसे करवाया जा रहा था बंधवा मजदूरी। लौदा बाजार जिला के ग्राम चितावर में रहने वाले 30 ग्रामीण जिससे बिहार राज्य के शेर घाटी में बंधवा मजदूर बनाकर काम लिया जा रहा था। शेर घाटी गए थे, हमें लवन पुलिस वाले छुड़ा कर लाए वहाँ से। वहाँ पे किस प्रकार से बर्ताव करते थे, क्या काम करते थे आप? हम लोगों को मान लो एक नीच मजदूर की तरह से व्यवहार रखता था, हमारी कोई इज्जत नहीं रखता था वहाँ पे हर लोग। जिसे बंधक मुक्त कराने में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। हम लोग 5 बजे से वही 5 बजे तक काम करते थे। तो खाने पीने के लिए राशन के लिए आप लोगों को पैसा मिलता था? वो 200-300 देता था, उसमें काम थोड़ी ना चलता था, बच्चे को देखते थे, हम खाना पीना खाते। यानी आप लोग मुसीबत में थे। तो यहाँ से जैसे वहाँ आप लोग गए थे और पुलिस वाले लेकर आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? हम लोग को अच्छा लगता है। बंधक मुक्त ग्रामीणों के परिजनों में हर्ष का माहौल है। शेर घाटी से मतलब लई छुड़ा के हम लोग गया जिला में बिहार में थे, और हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लाए वो लोग, खान पान का हमारा ठीक से ध्यान रखा, बच्चे लोगों ध्यान रखा, और हम लोगों को बहुत सेफ तरीके से छुड़ा कर लाए। आपको बता दें कि लेबर के सरदार ओम प्रकाश कुरे ग्राम बिनायका द्वारा इन ग्रामीणों को भ्रामक जानकारी देकर ले गया था। वही कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में थाना कस्टोल चौकी लवन अंतर्गत ग्राम चितावर के 30 ग्रामीण जो बिहार राज्य के गया जिला के शेरघाटी में ईंट भट्टा मालिक द्वारा बंधक बनाकर प्रताड़ना का शिकार हो रहे थे, जिसकी शिकायत मिलते ही लवन चौकी में 370 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जिला पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर बिहार राज्य भेजा गया था। अपराध की सूचना मिली तो कलेक्टर और एसपी महोदय द्वारा संयुक्त रूप से टीम गठित किया गया। शाम को करीब करीब 5 बजे गए तो जो मालिक लोग थे वो तत्काल में तो नहीं मिले, तुरंत उसको इन लोगों को जैसे तैसे वही व्यवस्था किए और व्यवस्था करके वापस गया ले आए। उसके बाद कलेक्टर महोदय द्वारा 2 दिन जांच होगा, इन लोगों का बंधक है क्या है इस स्थिति, जांच करने के बाद परिणाम आने पर ले जाने की स्थिति बताया। इस टीम ने 11 पुरुष 9 महिला एवं 10 बच्चों सहित 30 लोगों को बिहार राज्य जिला गया शेरघाटी में ईंट भट्टा मालिकों के ईंट भट्टा से छुड़ा कर देर रात जिला बलौदा बाजार लाया गया। इनको लेकर के यहाँ इनके गांव तक के आए और चितावर में इनको अपने परिजनों को सुपुर्द किया और सभी का बयान दर्ज किया गया। आरोपियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि जब टीम वहां गई तो आरोपी गण मौके से फरार हो चुके थे। वहीं पुलिस की टीम ने बताया कि जब हमारी रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो ग्रामीणों को बंधक मुक्त कराकर सकुशल वापस लाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी थी, जिसको हमने पूर्ण तत्परता के साथ किया और आरोपियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करने प्रतिबद्धता जाहिर की गई। यहां कुल टोटल 30 लोग थे जिसमें 12 पुरुष थे, 9 महिला और 9 बच्चे थे, और यहां तक लाने में किसी प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ा? अब परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, कई जगहों पर वाहन नहीं मिला, अनजान जगह होना, अपन हार नहीं माने, बच्चों को महिलाओं को केयर करते हुए अपने साथ लेकर जो निर्देश। इस कार्यवाही में सीआर साहू, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक मनु ध्रुव, आरक्षक अनुराग कोसरिया, आरक्षक ऋतु बंजारे, श्रम विभाग व महिला बाल विकास के अधिकारी मौजूद थे। जनता टाइम्स न्यूज के लिए जगजीवन नारंगे की रिपोर्ट।